बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल सरोज सागर के साथ आउटडोर एंड इंडोर रेस्टोरेंट दा पंतनगर वार्ड धर्मश्री सागर मध्य प्रदेश। इंदौर में एक मैकेनिक की बॉडी मिली अकड़ी, रिक्शा रिपेयरिंग का सीख रहा था काम, ठंड से मौत जाने की आशंका। इंदौर से जल्द चलेगी प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जयपुर और जबलपुर रूट पर दौड़ सकती है देश की सबसे तेज ट्रेन। न्यूयॉर्क तक हनुवंतिया के सभी कोटेज बुक, एमपी का स्विट्जरलैंड है हनुवंतिया टापू, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने पहुंच रहे टूरिस्ट। इंदौर में 8 जनवरी से शुरू होने वाले 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 90 अतिथियों के साथ लंच करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इंदौरी से कंजी, रतलामी से ओ, गराड़ू से लेकर ऑस्ट्रेलियाई नॉन वेज स्नैक्स मेन्यू में शामिल। एमपी खेल अकादमी में सज सकते हैं शादी के मंडप, केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले पैसों के लिए दूसरे आयोजन करने में नहीं कोई खर्च। एमपी के मंडला सड़क हादसे में जवान की गई जान, ससुराल से घर आते समय ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, सिर पे लगी गंभीर चोट, पुलिस कर रही मामले की जांच। छतरपुर के बक्सवाहा विकासखंड अंतर्गत आने वाले प्राचीन धार्मिक स्थल भीमकुंड में हुआ 3.72 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन पर्यटन निगम अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिसमें कथा मंच, सीढ़ियां, डे सेल्टर, रीसिटिंग स्टॉप, पार्किंग और अन्य आवश्यक विकास कार्य करवाए जाएंगे। तीन करोड़ 72 लाख के जो विकास कार्य हैं, उनमें आप जब 4 महीने बाद वहां जाएंगे भीमकुंड में, तो उसका स्वरूप आपको बदला हुआ दिखेगा। उसमें पर्यटक की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है, उसमें धार्मिक स्थल का भी ख्याल रखा गया है और साथ में रोजगार के अवसरों का भी ख्याल रखा गया है। यानी हम दुकान भी बना रहे हैं, हम उसका सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं और उसमें सुविधाएँ भी दे रहे हैं और साथ में उस स्थान को संरक्षित करने का भी काम कर रहे हैं। 3.72 करोड़ की ये कार्य योजना यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युम्न सिंह द्वारा लाई गई है, जिसमें डी सेल्टर, डे सेल्टर, कथा मंच और रेस्टिंग स्टाफ और यहाँ पर जो रेलिंग लगाई जाना है जीना में वो और भी अन्य विकास के कार्य यहाँ पर। छतरपुर के बक्सवाहा में स्टेडियम के निर्माण कार्य को क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिखाई गई हरी झंडी। 2.68 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम के निर्माण कार्य में चुनौती है अतिक्रमण। विधायक ने अतिक्रमणकर्ताओं को कहा स्वयं हटा लें कब्जा। ये बहुत शानदार खेल परिसर बनेगा और इस परिसर के अलावा भी एक इंडोर हम छोटा एक वही बनाएंगे, ताकि जो इंडोर गेम्स होते हैं उनको भी उसमें खेला जा सके। और ये बहुत ही शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा। यहाँ जो हम देख रहे हैं कई जगह अतिक्रमण भी है, उसको हटा के हम ये काम करेंगे। और मेरा सभी लोगों से, गांव नगर के लोगों से अनुरोध है कि जो लोग अतिक्रमण करे हैं वो, या जो संभ्रांत लोग हैं वो समझाइश देकर, क्योंकि ये बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण करने का काम करेगा। इसलिए हमारा तो आग्रह है कि अतिक्रमण मुक्त करके इस ग्राउंड को बहुत शानदार
परिसर बनाने का प्रयास करें। और आज के अवसर पर ये जो खेल के मैदान के लिए माननीय विधायक जी ने लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि यहाँ स्वीकृत कराई है, जिसका कल से यहाँ काम शुरू होना है। मैं एक बार पुनः उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत शुभाशीष देता हूँ कि वो ऐसे ही तरह। सागर जिले के बंडा में उप डाकघर की स्थिति नहीं अच्छी, लच्चर प्रणाली के कारण ग्राहक हो रहे परेशान। करीब 15 दिन से लोगों को रजिस्टर्ड डाक भेजने और पैसे जमा करने में करना पड़ रहा परेशानी का सामना। बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल सरोज सागर के साथ आउटडोर एंड इंडोर रेस्टोरेंट, बर्थडे, किटी पार्टी, पूल, एंगेजमेंट पार्टियां, मैरिज गार्डन एवं हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं रूम्स। पता पंतनगर वार्ड धर्मश्री सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7987818401, 9826213222।